जरा आप लोग बताइए वी व्हाट व्हाट रीडिंग टुमारो। अब मेरे को तो ऐसा ही अंग्रेजी आता है जी। पंखा डिस्टर्ब कर रहा है ना, बंद कर दो या बदल दो इस पंखे को। ठीक है जी, तो क्या हम लोग पढ़े थे आप लोग नहीं बताएंगे? इच्छा नहीं है आप लोगों का? हाँ नहीं बताओगे क्या, नाराज हो गए? ACCESS, ठीक, एंटर मैं इसमें करूँगा। ठीक है, तो खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस। अब मेरा प्रोजेक्टर लगा है, रेजोल्यूशन कुछ कम है तो इसलिए छोटा स्क्रीन में कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरे को इसमें क्रिएट करना है ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है जी, ये देखिए ब्लैंक डेटाबेस है यहाँ पे। ठीक है, मैं सबसे इसको टॉप में ले गया तो यहाँ पे आ गया। अब इधर पे देखिए लोकेशन बताता है कि यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मैं बोलता हूँ ठीक है जी कर दो, लेकिन इसका नाम मैं निर्धारित करूँगा। नाम क्या होगा? DB लिख देता हूँ, DB। ठीक, कर दिया मैं इसको ओके। ओके नहीं, क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, तो ये बन गया। अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल दबा के एस दबाऊंगा, ठीक है, पहले तो कैंसिल इसको करता हूँ और राइट क्लिक करके कहाँ जाता हूँ मैं? डिजाइन व्यू में। ठीक है, अब बोल रहा है सेव एज टेबल नेम दे दो। मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक, कितने बच्चे पढ़ने आएंगे उन सब का डिटेल हमको इधर रखना है, राइट। एंटर दबाया, इसको मैं ऑटो नंबर ही रहने देता हूँ। ऑटो नंबर का क्या मतलब है, इस पे मैंने अच्छा लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया था शायद। ठीक है, तो फिर से एंटर दबाया, फिर एंटर दबाया। यहाँ पे क्या कर दूंगा जी, नेम। नेम को मैं क्या कर दूंगा, बोल रहा है इफ यू सर्च रिजल्ट, मैं बोलता हूँ ओके। फिर नेम को मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट में। ठीक, फिर यहाँ पे नेम के बाद क्या ले लूँ जी, जरा आप लोग बताइए। एड्रेस ले लेता हूँ, ये भी आएगा टेक्स्ट फॉर्म में। नेम के बाद क्या हो जाएगा, MOBILE। मोबाइल नंबर ले लेता हूँ जी, मोबाइल नंबर भी टेक्स्ट में मैं रख लूँगा। ईमेल रख लेता हूँ जी, ईमेल को भी मैं रख लूँगा टेक्स्ट में। ईमेल के बाद और क्या रख लूँ, आधार नंबर, इका लिख दिया हूँ, आधार, आधार काफ़ी है, इसको भी मैं टेक्स्ट ही रख लेता हूँ। और क्या रख लूँ बताओ जी, और क्या रख लूँ, COURSE कोर्स रख लेता हूँ, इसको भी मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट के फॉर्म में। इसके बाद क्या रख लूँ, फीस रख लूँ, FEESH ए रख लूँ जी। फीस क्या रहेगा, इसको हम कैसे रखेंगे जी, नंबर फॉर्मेट में जी। ठीक है, तो हम इसको क्या रख लेंगे जी, नंबर फॉर्मेट में। ठीक है, इसका साइज क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं इधर से ले लूँगा जी। ये पॉइंट में भी होगा ना जनरल, यार लाइट बंद कर दोगे तो हमको ना ही ना दिखाई देगा ऐसा। ठीक है जी, आप लोग कई खुशी में, हमारा भी खुशी है, कर लो। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस बोल रहा है, मैं कर देता हूँ ऑटो। ठीक है, इनपुट मास्क बोल रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा जी, हो गया। अब इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और कर दूंगा सेव, फिर से राइट क्लिक कर दूंगा, बोल दूंगा डेटा सीट व्यू, ये आ गया। तो बताइए जी किसका नाम लिखें, नाम बताइए किसी का, नाम बताओ। कमलेश, कमलेश। ठीक, एड्रेस बताओ, रजखेता, सही है स्पेलिंग, चलिए जी रजखेता आ गए। मोबाइल नंबर बताइए जी, कुछ और डाल देते हैं। ईमेल बताइए जी, @gmail.com। आधार नंबर बताइए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोर्स बताइए जी,
बीसीए आपका फीस क्या होगा जी? लिख देते हैं 20-25 हज़ार, 21-22, 11 हज़ार, 10 हज़ार, 10 हज़ार कर देते हैं, इतना काफ़ी होगा। चलिए जी, एक आध नाम और बता दीजिए कोई। छोटू लिख दिया जी, और बताइए कोई नाम। मुरकौल सही है, मुरकौल स्पेलिंग सही है। अच्छा इधर मुरकौल वाला कौन है? अच्छा मुरकौल वाला है, अच्छा ये बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जरा बताइए ईमेल आईडी। कुछ और डाल देता हूँ मैं। अच्छा ये निकनेम है क्या? ओ आप समझ में आया, GM, AIL.CM, ये निकनेम है मतलब। चलिए नो प्रॉब्लम, अनेकों लोगों का निकनेम होगा ये, क्यों होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या है PGDCA? PGDCA। फीस में कितना करते हैं जी आप? 20 हज़ार दे दीजिए, आप बड़े ही अमीर आदमी लग रहे हैं। ठीक है तो आप अमीर आदमी हैं इसलिए 20 हज़ार दे दीजिए जी। ठीक है तो हो गया इतना हमारा। चलिए जी हम इसको सेव कर देते हैं और इसको क्या कर दूँ, बंद कर दूँ। ठीक, ये कहाँ सेव हुआ है हमारा? माई कंप्यूटर्स में मैं आऊँगा, डॉक्यूमेंट्स में आया, DB में सेव हुआ है, ये DB वाला है। ठीक, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, राइट क्लिक करके कर दूंगा ओपन। आ गया जी, आ गया ना, बस इसको बंद कर दीजिए। ठीक है अब हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो डेटाबेस से डेटा उठा के लाना है, मतलब एक्सेस में भी जो टेबल हमने बनाया वहाँ से डेटा उठा के लाना है और यहाँ पे हमको दिखाना है। ठीक है यही करना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम जी, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल ले लेंगे, ये वाला, इसको यहाँ से मैं पकड़ा खींच लिया इधर। ठीक है जी, ऐसे ले लिया, इसको कर लेंगे हम इस तरह से बड़ा, हो गया जी। इस कंट्रोल को क्या कहते हैं, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल। ठीक, इसको मैं कर दूंगा रन, तो क्या होगा जी, डेटाबेस से डेटा उठ के दिखने लगेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा यार, हमको कोड वोड लिखना ना पड़ेगा, कुछ बिना लिखे कैसे काम चलेगा। लेकिन इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये इधर चला जा रहा है, इसको साइज में बड़ा होना चाहिए था ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये बड़ा साइज में दिखने लगे। क्यों आप लोग बताएंगे क्या करना पड़ेगा मुझे? नहीं बताओगे क्या? प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, उसको कहा जाता है एंकर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इसको हम लेफ्ट राइट टॉप डाउन हर साइड ले लेंगे और कर देंगे ऐसे। अब इसको मैं क्या कर दूंगा जी, रन। अब जैसे ही मैं रन कर दूंगा तो क्या होगा, जादू हो गया। ठीक है जी, तो ये ऐसे फॉर्म के साइज से ये बढ़ने घटने लगा, तो ऐसे आप कर लिया करोगे। ठीक है जी, अब मैं क्या चाहता हूँ ना, जैसे ही प्रोग्राम रन करूँ तो फॉर्म जो है लोड होता है, तो फॉर्म का लोड इवेंट चलता है ना, तो जैसे ही लोड हो, ठीक है, जैसे ही लोड हो डेटा, वैसे ही जो है, जैसे ही फॉर्म लोड हो वैसे ही डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में डेटा लोड हो जाए। ठीक, तो डिजाइन टाइम पे इसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं डिजाइन टाइम पे भी, लेकिन डिजाइन टाइम पे डेटा ऐड करना मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। नहीं तो डिजाइन टाइम में कैसे ऐड होगा जी, इस पर क्लिक करेंगे डेटा सोर्स में नन है, डेटा सोर्स में ऐड प्रोजेक्ट, डेटा सोर्स में क्लिक करेंगे, डेटा सोर्स बना के हम ऐड कर लेंगे, लेकिन मैं ये टेक्निक यूज नहीं करूँगा आपके सामने, ये टेक्निक मुझे पसंद नहीं है। तो क्या करेंगे जी, फॉर्म पे कर दूंगा मैं डबल क्लिक। जैसे ही मैंने फॉर्म पे डबल क्लिक करा तो फॉर्म का लोड इवेंट खुल गया। ठीक, यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर है ना, जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया फॉर्म का क्या खुला, लोड इवेंट।
अब जैसे ही फॉर्म लोड होता है वैसे ही ये इवेंट चलता है, आपको मालूम है ये बात। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे जी, डेटाबेस से डेटा उठा के ग्रिड व्यू कंट्रोल में शो करने का कोड लिखेंगे इस लोड इवेंट पे, राइट। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डेटाबेस से डेटा उठाएंगे मतलब डेटाबेस में टेबल बनाया हमने, राइट, और उस टेबल से डेटा उठाएंगे ग्रिड व्यू कंट्रोल में शो कराएंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, किसके किसके साथ, ये जो हमारा विजुअल बेसिक का ये प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम का किसके साथ जी, मैं दिखाता हूँ किधर है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ए वाला डेटाबेस है, राइट। तो इस डेटाबेस का कनेक्शन हमें विजुअल बेसिक के प्रोग्राम के साथ बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ज्वाइंट बनाना पड़ेगा या परिचय कराना पड़ेगा जी, ठीक, करा देते हैं जी। कैसे होगा, बड़ा आसान काम है, ठीक। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या है, कनेक्शन नाम का क्लास है, ठीक। चलिए जी, प्री डिफाइंड क्लास है, तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले डीम लिखेंगे, फिर सी ओ एन एन सी टी आई ओ एन, इतना लंबा हम कनेक्शन के नाम लिखेंगे, इतना ही मान लो कि यही कनेक्शन है, एज, ठीक है, न्यू ओ एल ई डी बी डॉट कनेक्शन, ठीक। इस तरह से जो है हम कनेक्शन का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये ओ एल ई डी बी को क्या है ना, इसको हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। या तो यहाँ पे आप ओ एल ई डी बी लिख दें, या तो आप क्या कर दें, यहाँ पे लिख सकते हैं जी इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे ओ एल ई डी बी अगर आप कर देंगे तो ओ एल ई डी बी का मतलब कि डेटाबेस एक्सेस से आपको डेटा लेके आना है। और फिर एसक्यूएल का भी एक है, एसक्यूएल को इंपोर्ट करेंगे, एसक्यूएल क्लाइंट को, ठीक है। तो मतलब एसक्यूएल से आपको डेटाबेस लेके आना है, मैं ओ एल ई डी बी इंपोर्ट कर लिया हूँ यहाँ पे, ठीक, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अब ये क्या है जी, अब यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक, ये देखिए कनेक्शन एज ए स्ट्रिंग है, ठीक है जी। तो मैं थोड़े देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ जी, डिम लिखता हूँ, फिर कॉन एस टी आर आई एन जी लिखता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँगा, कनेक्शन स्ट्रिंग दे दूंगा। कनेक्शन स्ट्रिंग से मतलब स्ट्रिंग का माने शब्द, कनेक्शन का माने कनेक्टिविटी बनाना, राइट। तो ऐसा शब्द जो शब्द बोलने से कनेक्टिविटी हमारा बन जाए, क्यों, ऐसा शब्द जो शब्द बोलने से लिखने से हमारा कनेक्टिविटी बन जाए, उसे ही कह देंगे जी कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक। तो वो कैसे बनेगा हमारा, बड़ा आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम, ठीक। ये एक्सेस है, एक्सेस है तो थोड़ा सा कठिन कहता हूँ मैं इसको, और एसक्यूएल सर्वर होता तब तो बस कुछ करना ही नहीं था, एसक्यूएल सर्वर होता तो और भी आसान था, ठीक है। वैसे डेटाबेस एक्सेस में भी कठिन काम नहीं है, बड़ा आसान काम है, जाइए यहाँ पे डेटा में, ठीक, फिर जाइए ऐड न्यू डेटा सोर्स, ठीक, यहाँ पे है ना डेटाबेस, सेलेक्ट करिए डेटाबेस और करिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे डेटा सेट है, कर दीजिए नेक्स्ट, ठीक। अब यहाँ पे जो है एक भी कनेक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा न्यू, अब जैसे ही मैं न्यू करूँगा ना तो क्या होगा जी, यहाँ पे ढेर वो ऑप्शन आ गया, ढेर सारा, ठीक। मतलब क्या, पहला वाला ऑप्शन का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, एक्सेल डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा, दूसरा है ओडीबीसी डेटा सोर्स, तीसरा है एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर होता तो और भी आसान होता, दूसरा है एसक्यूएल सर्वर कम्पैक्ट, तीसरा है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल, ठीक है, ओरेकल से कनेक्ट करना है या किसी अदर से करना है जी, ठीक है। तो हमारे केस में भी क्या है, एक्सेस डेटाबेस, ठीक, प्रोवाइडर जो है लिखा है वो रहने दीजिए, कर दीजिए आप कंटिन्यू, ठीक। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो गया जी, यहाँ पे डेटा सोर्स कुछ आ गया है,
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, ये ब्राउज का बटन आ गया। ब्राउज माने आप मुझे बता दो कि आपका डेटाबेस एक्सेस फाइल कहाँ है। ठीक, तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा जी, खुल गया ब्राउज करने का डायलॉग बॉक्स। मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट में और फिर बता दूंगा जी यही मेरा डेटाबेस एक्सेस का फाइल है। राइट, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया जी, आ गया ना। अब यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड बोल रहा है कि पासवर्ड, तो इस डेटाबेस एक्सेस में अगर हम कुछ पासवर्ड डाले होते तो पासवर्ड हम इधर दे देते, लेकिन मैं कुछ डाला नहीं हूँ जी और मैं डालता भी नहीं हूँ जी। ठीक है, आपका मन करे तो डालिए, दे दिया। अब यहाँ पे एक बटन है टेस्ट कनेक्शन। ठीक, इस टेस्ट कनेक्शन पे मैं जब क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये बोल रहा है टेस्टेड कनेक्शन सक्सीड, मतलब आपका डेटाबेस से कनेक्शन बन गया है जी। तो अब आप चाहें तो क्या करें जी, इस एडवांस बटन पे क्लिक करिए और फिर यहाँ पे आ जाइए। ये यहाँ पे जो भी है यही कनेक्शन का आपका स्ट्रिंग है। होम बटन दबाया सबसे शुरुआत में आ गया और शिफ्ट दबा के इंड बटन दबाया तो आखिरी में आ गया। अब कंट्रोल सी दबा के मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक ठीक है जी, तो यही है जी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग पूरा, इसको आप टोटल जो है क्या करोगे, कॉपी कर लोगे आप। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या करो, इसको कट कर दो, इसको भी कट कर दो, हमको कोई ज़रूरत नहीं है इन सब का जी। और फिर हम क्या करेंगे जी, पेस्ट कर देंगे, तो हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग था वो ये है जी। ठीक, अब इसका क्या मतलब है ये सब जानने से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रोवाइडर एक कनेक्शन प्रोवाइड कौन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट पता नहीं क्या क्या, मेरा गड़बड़ हो गया, microsoft.ace.net oledb.12.0। ये है डेटा सोर्स में क्या है जी, पूरा लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यही है, ए बन गया हमारा कनेक्शन का स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या करेंगे जी, हम पास कर देंगे किसको, एसक्यूएल कनेक्शन को। ठीक, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जी, ये भी डबल कोट, मैं हटाता हूँ इसको, ये लीजिए। ठीक है जी, एक कनेक्शन है जी, इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं पास कर दूंगा यहाँ पे। ठीक, आप चाहे तो ये सीधा स्ट्रिंग को पास कर दें यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है पास कर दिया हूँ कनेक्शन में। ठीक है, तो इतने लाइन से आपका कनेक्शन का जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा कनेक्शन क्लास का। ठीक है, मैं इसको थोड़े देर के लिए क्या करूँगा, कमेंट, इसका जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इस्तेमाल करूँगा। अभी मेरे पास क्या है, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक, और ये कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया था जो मैंने कमेंट करा है। ठीक, अभी आप इस कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट मैं बनाया हूँ इसको आप इग्नोर करिए। ठीक, इसको खाली आप ध्यान दीजिए अभी। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कमेंट का है किया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, डेटाबेस से डेटा हमको उठा के ले आना है। ठीक है, तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके इंसर्ट अपडेट डिलीट करने का डॉटनेट टेक्नोलॉजी में दो ठो तरीका दिया गया, दो टेक्निक है, दो टेक्नोलॉजी है। क्या, एक कनेक्टेड आर्किटेक्चर, एक डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। ठीक है, मुझे जो सुविधा लगता है मैं वही इस्तेमाल कर लेता हूँ जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको अभी कनेक्टेड आर्किटेक्चर डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर बता देता हूँ। ठीक, डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, अभी बोल दूंगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं खाली कोड लिख रहा हूँ अब। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना। ठीक, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक होता है क्लास डेटा एडॉप्टर। ठीक, डेटा एडॉप्टर क्या करेगा, वो डेटाबेस से डेटा उठाएगा और आपके प्रोग्राम के अंदर तक ले लाएगा। ठीक, तो मैं कैसे बनाऊंगा जी, डीम डेटा एडॉप्टर एज न्यू डेटा एडॉप्टर लिख लूंगा, डेटा एडॉप्टर, ये देखिए डेटा एडॉप्टर, और मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया ब्रैकेट। ठीक, डेटा एडॉप्टर का बन गया जी ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको क्या क्या चाहिए जी, यहाँ पे देखिए बोल रहा है सेलेक्ट का क्वेरी दे दो, फिर बोल रहा है सिलेक्शन का क्वेरी एज ए स्ट्रिंग दे दो, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग दे दो। ठीक, मांग रहा है
सेलेक्ट कमांड एज अ टेक्स्ट, और फिर बोल रहा है सेलेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, सेलेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग। ठीक, और भी चीजें इसमें लेता है, कनेक्शन का भी ऑब्जेक्ट ये ले सकता है। ठीक है, तो मतलब पावरफुल चीज है ये। ठीक, अब ये जो डेटा एडॉप्टर नाम का है ना क्लास, ये क्या काम करता है, डेटाबेस से डेटा उठाता है और आपके प्रोग्राम के अंदर ले लाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन डेटाबेस से डेटा उठा के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बताना तो पड़ेगा ना कि वो डेटाबेस कहाँ है, कैसे है, नहीं बताना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्या करेंगे उठाएंगे और फिर इसको दे देंगे जी। ठीक है, और उसके पहले क्या देंगे, इसमें दो पैरामीटर चाहिए। ठीक है, एक तो कमांड चाहिए। ठीक, सी एम डी यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहला क्या पैरामीटर इसको चाहिए, कमांड, सिलेक्शन का कमांड चाहिए। तो डेटाबेस से डेटा उठा के लाना है आपको, डेटाबेस का डेटा सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कमांड बताया था आप लोगों को, सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद स्टार कर दो या तो कॉलम नेम आप दे दो। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर क्या लिखना है, डेटाबेस में जो टेबल है उस टेबल का नाम, तो टेबल है मेरा स्टूडेंट्स। ठीक, यही होता है ना क्वेरी, एसक्यूएल का क्वेरी यही होता है। ठीक, जो डेटाबेस से डेटा उठाता है। ठीक है जी, बताया था ना मैं। ठीक है, तो ये कमांड को मैं यहाँ से कट करता हूँ और सीधा यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसको भी एक वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं और फिर वो वेरिएबल पास कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिए हम स्ट्रिंग के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या दे दिए हम, एसक्यूएल का कमांड दे दिए, किसके फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक, स्ट्रिंग माने शब्द में, मतलब हमने बोल दिया कि ये कमांड है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है जी, अब डेटाबेस से डेटा उठा के डेटा एडॉप्टर अपने पास रख लिया। ठीक, डेटाबेस से डेटा उठा करके एडॉप्टर जो है, डेटा एडॉप्टर जो है अपने पास रख लिया, कहाँ पे है वो, इसी डीए नाम के वेरिएबल के पास है वो डेटा। ठीक, लेकिन वो डेटा कहाँ दिखाना है आपको, वो दिखाना है डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर आपको, राइट। तो हम अब क्या करेंगे जी, सीधा डेटा एडॉप्टर से हम नहीं दिखा सकते जी, तो कैसे दिखा सकते हैं, डेटा टेबल के माध्यम से। ठीक है जी, डेटा टेबल डीटी मैंने लिखा एज न्यू। ठीक है, ओ एलईडी भी डेटा टेबल होगा एक एज न्यू डेटा टेबल। ठीक, अब ये डेटा टेबल क्या होता है, ठीक, सवाल ये है डेटा टेबल जो है क्या होता है। तो जैसे डेटाबेस के अंदर टेबल होता है ना, डेटाबेस के अंदर टेबल होता है और उसी टेबल में रो और कॉलम के फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर किए रहते हैं, लेकिन वो टेबल कहाँ रहता है, वो तो डेटाबेस के अंदर होता है ना, राइट। वो टेबल डेटाबेस के अंदर होता है, राइट, लेकिन हमें उस टेबल का डेटा तो हमको कहाँ दिखाना है, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर दिखाना है ना। मतलब जैसा टेबल हमारे डेटाबेस में होता है वैसा ही एक टेबल हमको चाहिए हमारे विजुअल बेसिक प्रोग्राम जो कर रहे हैं वहां पे, चाहिए ना। तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है, राइट, ठीक वैसा ही टेबल विजुअल बेसिक के अंदर है, डेटा टेबल होता है। ठीक, समझ गया आप लोग, डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है वो विजुअल बेसिक के अंदर डेटा टेबल के नाम से जाना जाता है। ठीक, समझ में आ गया आपको, डेटा टेबल भी रो और कॉलम के माध्यम से बनता है। ठीक है, ठीक, इतना सबको क्लियर है ना, डेटा टेबल को। ठीक, अगर और डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या काम करिएगा जी, इस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा ना यूट्यूब पे, तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। ठीक, तो शायद 4-5 वीडियो होगा इस डेटा टेबल और डेटा सेट के ऊपर। ठीक है, उसको अगर आप देख लेना तो डेटा टेबल में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
डेटा टेबल कैसे बनता है विजुअल बेसिक के अंदर, इन मेमोरी में रैम के अंदर कैसे बनता है, वो पूरा डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ कि डेटा टेबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप लोग उस रिकॉर्डिंग को देख लेना पूरा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो डेटा टेबल और डेटा सेट का आपको बहुत अच्छे से जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, समझ आपको हो जाएगा। डेटा सेट भी एक होता है विजुअल बेसिक के अंदर। डेटा सेट का क्या मतलब है जी? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर में के अंदर कई सारे डेटाबेस होते हैं ना, और उस कई सारे डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल होते हैं। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे डेटाबेस होता है, वैसे ही विजुअल बेसिक के अंदर डेटा सेट होता है, ठीक। और उस डेटा सेट के अंदर कई सारे डेटा टेबल हो सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा टेबल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक। अब अगला स्टेप क्या है? डेटा एडॉप्टर। डेटा एडॉप्टर में डेटा है, ठीक। तो डेटा एडॉप्टर से डेटा निकाल करके कहाँ हमको डालना है? डेटा टेबल में। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं क्या करूंगा जी, डेटा एडॉप्टर डी ए डॉट फिल, इसका एक मेथड है फिल। अब डेटा एडॉप्टर में से डेटा निकाल के मैं क्या करूंगा, डेटा टेबल में फिल कर दूंगा। तो यहां डाल दूंगा मैं डीटी, ठीक। इस लाइन से क्या हुआ, डेटा एडॉप्टर में जो डेटा था वो डेटा टेबल में फिल कर दिया गया, ठीक। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा व्यू, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का क्या नाम है जी? हम प्रॉपर्टी में जाके देखते हैं, इसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू 1, राइट। मैं फिर से यहां पे आऊंगा और लिखूंगा डेटा ग्रिड व्यू, डेटा कहां चला गया जी, डेटा ग्रिड 1 डॉट। डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, डेटा सोर्स, ठीक। डेटा बाइंडिंग है, डेटा मेंबर है, डेटा सोर्स भी है, बाकी को मैं कभी बाद में देखूंगा अगर मिलता है ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है तो। मैं बताता हूं अभी डेटा सोर्स। अब इस डेटा सोर्स को क्या चाहिए, डेटा सोर्स को हम डेटा टेबल दे देंगे, ठीक। डेटा टेबल क्या और भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं, डेटा सेट के जरिए भी करा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपलिसिटी के लिए डेटा टेबल इसको दे देता हूं ताकि सिंपल हो और आपको समझ में आए, ठीक है जी। हमने क्या करा, डेटा एडाप्टर को क्या दे दिया, दो चीजें दे दिया, एक तो कनेक्शन का स्ट्रिंग हमने दे दिया, कनेक्शन बनाने वाला वर्ड हमने दे दिया, तो ये है। और फिर दूसरा क्या दे दिया हमने, कमांड दे दिया, ऐसा कमांड जो डेटाबेस से डेटा को सिलेक्ट करने में मदद करे, ठीक, ठीक है ना। हम जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग रखा और वेरिएबल को यहाँ पे पास किया, उसी तरह से हम कमांड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कमांड छोटा था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक। आप लोग कर सकते हैं, कर लेंगे, मैं करके दिखाऊं, कर लोगे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। कट किया, डीम सीएमडी एलओ जी, वेरिएबल नेम आप कुछ भी बना सकते हो जी, वेरिएबल में आपको कोई पाबंदी नहीं है कि यही बनाना है, सीएमडी। तो मैं ऐसा बोल रहा था आपको कि इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो डेटा एडाप्टर को हमने क्या दे दिया, कमांड दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया, फिर डेटा एडाप्टर ने डेटाबेस से डेटा निकाल के अपने अंदर रख लिया। अब अपने पास रख लिया तो डेटा एडाप्टर का डेटा हमने फिर क्या किया, एक बनाया डेटा टेबल, ठीक है, और डेटा टेबल बना दिया यहाँ पे। और फिर अगले लाइन में क्या किया, डेटा एडाप्टर से डेटा निकाला और डेटा एडाप्टर का एक मेथड है फिल, ठीक है। इस फिल मेथड के जरिए डेटा टेबल में डेटा हमने फिल कर दिया जो था डेटा एडाप्टर के अंदर, ठीक। अब क्या हो गया जी, डेटा टेबल के अंदर जो डेटा आ गया, अब वही डेटा एडाप्टर का जो डेटा टेबल में जो डेटा था वो डेटा मैंने दे दिया ग्रिड व्यू कंट्रोल के डेटा सोर्स को। और जैसे ही ग्रिड व्यू कंट्रोल के डेटा सोर्स को हमने डेटा दे दिया और रन कर दिया प्रोग्राम, तो क्या हो गया, आप खुद ही देख लीजिए क्या हो गया, सारा डेटा उठ करके ग्रिड व्यू कंट्रोल में आ गया।
क्लियर सबको, कुछ पूछना है तो पूछ लो जी, जादू हो गया ना। हाँ नहीं, देखिए सारा डेटा हमारे पास आ गया ना, यही डेटा था हमारे एक्सेस के अंदर, क्यों? चलिए जी, तो इस कोड में किसी को कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। डेटा टेबल समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों? कंफ्यूजन आपको होगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग को भी एक दो बार और सुन लेना, आप प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना, तो आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। इसको मैं अभी हटा ही देता हूँ, ठीक है, बाद में कभी इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो इसमें कुछ समस्या है तो आप लोग बताइए। डेटा टेबल और डेटा सेट आपको डिटेल्स में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो है, ठीक है, तो आप वो पढ़ लेंगे, आसान है, ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूछ लीजिए, कुछ प्रश्न है आपके मन में तो पीछे तो फोटो खींचेंगे आप लोग तो खींच लो भाई। एक कनेक्शन स्ट्रिंग हर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ठीक, तो आप फोटो खींचेंगे तो खींच लो, मैं रिकॉर्डिंग को थोड़े देर के लिए पॉज रखता हूँ। तो किसी को कुछ पूछना है नहीं पूछना है पूछ लो आप जो पूछना चाहते हो। आपको मैं फिर से याद दिलाऊं कि प्रश्न पूछना एक योग्य विद्यार्थी का लक्षणों में से एक है, ठीक है, तो पूछ लो जी प्रश्न, नहीं पूछना तो फिर हम समझ लेंगे, या तो ज्यादा ज्ञानी है आप लोग या तो कुछ भी नहीं आता। क्या करें आप? हाँ, एक कॉपी करके मैंने पेस्ट करा है जी, एक कॉपी पेस्ट किया हूँ, इतना तो मुझे भी नहीं याद रहता, आपको भी नहीं याद होगा, करके क्या करेंगे याद, एक कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ये छोटा नहीं हो सकता जी, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगा जी। मैं आपको सच बताऊं तो ये मैंने सी शार्प पे बहुत ज़्यादा काम करा, फिर विजुअल बेसिक पे काम करा, काम किए मुझे 2 साल हो गए, सही बता रहा हूँ मैं, 2 साल के बाद आपके सामने ये कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने शायद लगभग BCA रहा होगा मेरा, BCA के समय पे ये सब मैंने काम किया था, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ डेवलप करे थे, फिर मैंने सी शार्प पे नहीं काम किया, नहीं विजुअल बेसिक पे काम करा। तो ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये 2 साल के बाद मैं भी कोड कर रहा हूँ। तो आप भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे BCA में लगभग, हाँ भाई BCA के समथिंग में किया था मैं, BCA जैसे कंप्लीट हो गया फिर मैं जावा पे चला गया, .NET को बोल दिया बाय बाय टाटा, आप घर में आराम से रहिए, ठीक है। जावा पे भी लगभग मैंने कुछ 6-7 या 7-8 महीने कुछ किया होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह, फिर मैंने जावा को भी बाबा बाय बाय टाटा बोल के रख दिया कंप्यूटर, और बस सोच लिया कि घर में आराम से खा के सोना है, आराम से ज़िंदगी कटेंगे जी, ठीक है। तो बताइए जी, कुछ पूछना है आप लोगों तो चलिए। सबसे पहला ये मैंने क्या काम किया है, ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग बना लिया मैंने, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया हमारे पास। फिर मैंने अगला क्या काम किया है, ये SQL का मैंने क्वेरी लिखा है, ठीक, SQL का क्वेरी लिखा, जिस क्वेरी से डेटाबेस से डेटा सिलेक्ट किया जाए, मतलब टेबल से डेटा सिलेक्ट करने का क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर डेटा एडॉप्टर क्या करता है, डेटा एडॉप्टर में बहुत ताकत है जी, डेटा एडॉप्टर ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेट कर लेता है जी, अपडेट इंसर्ट डिलीट पता नहीं क्या क्या कर, ठीक है। तो डेटा एडॉप्टर को क्या चाहिए था, डेटा एडॉप्टर को चाहिए था कमांड चाहिए था और दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए था, वो मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया और यहाँ पे मैंने कमांड दे दिया, ठीक है। इस कमांड को आप सीधा चाहो जी तो यहाँ से कट कर लो जैसा मैंने पहले लिखा था और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये भी चलेगा, दोनों का तो मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये कमांड दे दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया, उसके बाद मैंने क्या करा, डेटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे डेटा टेबल बनाया एक, ठीक,
भाई टेबल में डेटा मैं रखूंगा, फिर तो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को टेबल को दूंगा ना, तभी तो सो होगा ना। तो मैंने क्या करा, डेटाबेस के अंदर के टेबल से डेटा निकाला और विजुअल बेसिक के अंदर एक डेटा टेबल बनाया, उसके अंदर हमने डेटा को फिल करा। तो डेटा एडॉप्टर ने डेटा निकाल के अपने अंदर रख लिया था, मैंने क्या किया डेटा एडॉप्टर का फिल मेथड चलाया, और उस फिल मेथड ने क्या करा कि डेटा एडॉप्टर के पास जो भी डेटा था वो डेटा सारा किसको दे दिया, डेटा टेबल को। ठीक, अब डेटा टेबल के पास आ गया डेटा, तो मैं अगला लाइन में क्या किया, यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का नाम लिखा और फिर डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में क्या दे दिया, डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को क्या चाहिए था, डेटा टेबल चाहिए था, वो मैंने डेटा टेबल जो है दे दिया। तो इसमें इस डेटा टेबल में जो भी डेटा था वो चला गया डेटा सोर्स को, मिल गया किसके डेटा सोर्स को, तो इस डेटा ग्रिड व्यू वन के डेटा सोर्स को मिल गया डेटा। और जैसे ही प्रोग्राम मैंने रन किया क्या हो गया, डेटाबेस से डेटा उठा और यहाँ पे दिखाई देने लगा। ठीक है जी, यही काम यहाँ पे हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है जी, और ऐड, हाँ सब कुछ संभव है। हाँ हाँ वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे हम ऐसा कि यहाँ पे एक बटन हो, क्लिक करें तो फॉर्म खुल जाए, उसमें हम जैसे ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं तो वैसे ही फॉर्म खुल जाए, उसमें हम डेटा भरें, सेव बटन पे क्लिक करें तो यहाँ अपने आप डेटा दिखने लगे, यही चाह रहे ना। हाँ वैसा ही हम बनाने वाले हैं, डेटाबेस एक्सेस में जा जाके थोड़े नाम अपना एंट्री करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे। ठीक है, एक्सेल फाइल में जैसे एंट्री करता है वैसे हम थोड़ी करेंगे, हमें सॉफ्टवेयर के अंदर ही डेटा एंट्री करेंगे जी, और फिर हमको सॉफ्टवेयर के अंदर ही दिखाई देगा। तो इतना क्लियर है ना सबको, चलिए जी इतना क्लियर है तो ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तो सारा जो है रो सिलेक्टेड हो गया। ठीक, अब मैं डिलीट बटन पे क्लिक किया तो ये डिलीट भी हो गया, फिर यहाँ से क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया जी, मजा नहीं आया। ठीक, तो ये कहाँ से डिलीट हुआ है, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल से डिलीट हुआ है। डेटाबेस का एक्सेस जो था ना, एक्सेस हमारा जो बना था डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, वहाँ डेटा है ही है अभी। ठीक, जैसे मैं रन करूँगा ये प्रोग्राम को फिर से आ गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से डिलीट ना हो। दूसरा क्या है जी, यहाँ पे डबल क्लिक करा, कुछ टाइपिंग करना शुरू किया तो ये एडिट हो गया, मज़ा नहीं आया, नहीं आया ना मज़ा। तो हम चाहते हैं कि इस पे डबल क्लिक करके कुछ लिख के एंटर मारें तो एडिट ना हो, इसे में मज़ा नहीं आएगा। ठीक, दूसरा हम क्या चाहते हैं जी कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ ना, एंटर दबाऊँ, ये देखिए यहाँ पे मैं चाहूँ तो अभी कुछ एंटर कर सकता हूँ जी, ऐसे कर रहा हूँ ना एंटर, ये देखिए यहाँ पे भी मैं कुछ लिख पा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे मैं ना लिख पाऊँ। ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे कुछ मैं ना लिख पाऊँ, इसके लिए प्रॉपर फॉर्म खुले, यहीं पे मैं लिख पा रहा हूँ ना अभी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा लिख पाऊँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ प्रॉपर्टी हमको डिसेबल करना होगा। क्या प्रॉपर्टी जी, सीधा यहीं से आप क्लिक करिए, इनेबल एडिंग जो था उसको हटा दीजिए, तो अपने आप जो है ऐड नहीं होगा डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में। इनेबल एडिटिंग को आप ऐसे अनचेक कर दीजिए तो एडिट जो हो रहा था वो भी नहीं होगा। इनेबल डिलीटिंग को कर दीजिए अनचेक तो क्या होगा, डिलीट भी नहीं होगा जी। अब आप इस पे करिए, रन करिए, आप देखिए इधर जो साइन आ रहा था ना, एक तो एक्स्ट्रा रो एडिटिंग का, वो गायब हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे कुछ टाइप भी नहीं कर सकता, एडिटिंग नहीं होगा ये। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट भी नहीं कर सकता, नहीं हो रहा है ना डिलीट। अब एक काम और मैं करना चाहता हूँ कि मैं जिस पे भी क्लिक करूँ तो ये पूरा रो सिलेक्टेड हो जाए एक बार में। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा जी, और ये अभी मल्टीपल सिलेक्ट हो रहा है ना, मैं नहीं चाहता कि मल्टीपल सेलेक्ट हो। ठीक है, तो क्या करना होगा जी, कुछ प्रॉपर्टी और है, राइट क्लिक करके जाऊंगा प्रॉपर्टी में, इधर कहीं सिलेक्शन मोड वगैरह है क्या जी, बॉर्डर स्टाइल है ये, तो एडिटिंग मोड, यहाँ पे एडिटिंग मोड ये था ऑन, या F2 दबा करके, मैंने इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको, मेरे को तो सिर्फ वही प्रॉपर्टी चाहिए थी। क्या था प्रॉपर्टी,
ये देखिए सिलेक्शन मोड है, ठीक। सिलेक्शन मोड में मैं क्या कर दूंगा जी, इसको कर दूंगा मैं फुल रो सिलेक्ट, ठीक है। आप बाकी को भी सिलेक्ट कर ट्राई करिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपके लिए भी कुछ होना तो चाहिए ना। मैंने कर दिया रन, और जैसे मैं रन किया तो ये देखिए पूरा रो सिलेक्टेड है ना, पूरा रो, ये देखिए क्लिक करता हूँ तो पूरा रो सिलेक्टेड है ये। तो कुछ पूछना है जी किसी को तो आप पूछ लीजिए, और नहीं पूछना है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग, नहीं पूछना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए जी, और नहीं आप लोगों को पूछना है तो फिर कह दीजिए कि हमको सब कुछ समझ में आ गया जी, ठीक है। तो कुछ पूछना किसी को, नहीं पूछना है, चलिए। तो कुछ पूछना चाह रहे हो जी आप लोग, मैं बाकी प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ अभी। तो कुछ पूछना है तो जी अभी आप पूछ लो, नहीं पूछना है तो फिर बात ही नहीं है फिर कुछ। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन? इसका फोटो आपने खींच लिया, चलिए जी। तो आगे पढ़े या फिर इतने से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे या मैं कुछ और भी बताऊं? प्रैक्टिस कर लो, ठीक है जी। तो बंद करो, ना करूं बंद, कर दो बंद, कुछ नहीं पूछना है, ठीक है जी। म्यूट हो जा भाई।